गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ बिफोर वी गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम वेयर आई गॉट दीज इयररिंग्स, बहुत प्यारा सूट है ये वो। सो सूट की जो डिटेल्स हैं वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से मिलने वाली है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज इयररिंग्स, आई हैव जस्ट पुट अप अ स्टोरी टॉकिंग अबाउट वेयर आई गॉट दीज फ्रॉम, एंड दिस इज गॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर बाय द नेम ऑफ आईना ज्वेलरी यू नो पेज है। एंड आई गॉट ब्यूटिफुल पीसेस ज्वेलरी के, सो यू कैन चेक देम आउट इन केस आपको, क्योंकि वीडियो ही उस बारे में है राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू वेडिंग तो ये वाले झुमके भी आपको चाहिए होंगे, सो यू माइट वांट टू चेक आउट दैट पेज। आई हैव द लिंक ऑफ दिस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेडिंग स्किन केयर, इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट फॉर दैट परफेक्ट ब्राइडल ग्लो जो आपको चाहिए होता है, इवन इफ इट्स नॉट योर वेडिंग बट यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ द वेडिंग, ठीक है। सो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी शादी के टाइम पर मैंने जो करी थी उससे रिलेटेड हैं, प्लस बहुत सारी भी शादियाँ भी हो रही हैं, प्लस आगे अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। सो आई मेकिंग दिस वीडियो नाउ, मतलब टाइम से पहले ही, ताकि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देख पाओ, लाइक भी कर पाओ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आजकल तुम सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं बोलती हो, सो प्लीज़ डू दैट इन केस दैट्स द केस कि नहीं बोलने से नहीं करोगे, प्लीज़ डू दैट। आई हैव माय ब्राइडल उपटन रेसिपी जो कि मम्मी ने मुझ पे यूज़ करी थी बना बना के, सो मैं आपके साथ में वो भी शेयर करने वाली हूँ। एंड मेनली इसमें सारी चीज़ें DIYs मतलब किचन वाली होने वाली हैं, सो गोना डू सो मेनी DIYs विद सो मेनी ब्यूटीफुल हेल्दी यू नो सेफ इंग्रेडिएंट्स, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। नाउ विदाउट एनी फर्दर ado लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो बाय शेयरिंग माय ब्राइडल उपटन रेसिपी। वेल इट्स नो लॉन्गर अ सीक्रेट नाउ, क्योंकि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब ब्राइडल उपटन के जो फायदे होते हैं वो तो एंडलेस है, मतलब 3-4 वीडियो भी कम पड़ेंगे, सीरीज निकालनी पड़ेंगी, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन आपको पता ही है ब्राइडल उपटन इज लाइक अ रिचुअल, यू नो वेन एवर अ ब्राइड गेट्स मैरिड या फिर ग्रूम के लिए भी, ऐसा नहीं होता ब्राइड और ग्रूम ही करते हैं, उनके साथ साथ फैमिली वालों के लिए भी इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी, सब इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। एंड पर्सनली आई लाइक द थिंग कि इसमें सारे इंग्रीडियंट्स आपको घर में बेसिक होते हैं, किचन में मिल जाएंगे अभी के अभी। सो मेरे ब्राइडल उपटन रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये सारे थे। अब इनके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेस पे चलते हैं कि बनाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो सैफरन के स्ट्रैंड्स होते हैं 3-4 या 5-6 मैक्सिमम, वो आपको लेके और मिल्क में सोक करने रख देना है। मीनवाइल जो उसका कलर होता है वो भी आ जाता है मिल्क में। वंस डन कीप इट असाइड, और उसके बाद में हमको लेना है एक बोल और उसमें डालना है आपको 3-4 टेबल स्पून मैदा, और उसमें आपको ऐड करना है थोड़ी सी हल्दी। मैंने यहाँ पे थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा हल्दी ऐड करी है, बिकॉज That just adds so much goodness onto your skin. आपका tan निकाल देती है, brighten up करती है, और brides के अलावा किसको अच्छा नहीं लगता वो radiant skin flaunt करना, you know what I mean? Okay, so यहाँ तक तो कहानी हर एक उपटन में सेम ही होती है। अब आता है ट्विस्ट। सो मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम सिंधी क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं मस्टर्ड ऑयल। सो यहाँ पे आप ड्राई इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग आपको मस्टर्ड ऑयल डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि मस्टर्ड ऑयल से ये मिक्स हो जाए, और उसको लम फ्री बनाने के बाद में इसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है टू गेट दैट स्मूथ कंसिस्टेंसी। इट शुड नॉट बी दैट रनी, बट ये वाली जो आपको दिख रही है इट शुड बी दिस इज फाइन। इसका कलर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इसको जब आप स्मेल करते हो इसमें आपको लग रहा होगा कि सैफरन की बहुत अच्छी वाली खुशबू आ रही होगी, नहीं, इसमें मस्टर्ड ऑयल की आ रही होती है। एनीवेज एप्लीकेशन पे चलते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है, और उसके बाद में जस्ट अप्लाई करना है आपको अपनी स्किन पे। नाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस इज मतलब बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली चीज नहाने से पहले करो सेफ साइड। यहाँ पे हाथों पैरों पे तो मैं इजीली लगा सकती हूँ, लेकिन बैक नेक पे भी आपको लगाना होता है, और बैक के लिए मैंने यहाँ पे अगेन भाभी से हेल्प ली थी। सो उनकी हेल्प से मैंने यहाँ पे बैक पे इस उपटन को लगाया है। आपको उसको कंप्लीट बॉडी पे लगाना है जब एप्लीकेशन अच्छे से हो गया है। उसके बाद में जब छुड़ाने की बात आती है तो इट्स वेरी कॉमन कि लोग इसको बस पानी से वॉश करते हैं सर्कुलर मोशन में मसाज करके, बट जो मम्मी ने मेथड यहाँ पे फॉलो किया था वो था कि मस्टर्ड ऑयल से आपको उसको यूं मसाज कर करके, कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे आपकी स्किन में से वो जो बच्चों के उपटन नहीं होता जिससे उनके बाल नहीं आते पूरे बॉडी पे, कुछ वैसा ही मेथड आपको करना है। और इनकेस आप अपने ग्रोथ हेयर ग्रोथ के साथ में ये चीज़ करते हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे उस उपटन के साथ में आपकी हेयर ग्रोथ भी निकल रही है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। क्योंकि उपटन लगाते ही इसलिए जैसे डेड स्किन निकले और साथ में हेयर भी निकल जाए और बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बी रेस्ट श्योर्ड। सो इसको आपको पूरे बॉडी पे इस तरीके से करना है। इनके ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना तो आप पानी की हेल्प भी ले सकते हो, बट दिस वर्क्स वंडर्स ऑन योर स्किन, मतलब फॉर दैट ग्लोइंग स्किन, वो डेड स्किन निकल जाती है। और फेशियल उपटन लेट मी नो इन केस यू वांट टू सी फेशियल उपटन जो कि DIY होगा, फेस वॉश आई विल ऑल्सो यू नो शेयर दैट विद यू गाइज। ना बॉडी केयर के साथ साथ हेयर केयर पे भी आपका फोकस लेके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं ध्यान दोगे तो शादी के टाइम पे जो 4-5 दिन में जो हीट और स्टाइलिंग जो आपके बालों पे यूज़ होने वाली है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ होने वाले हैं वो इतना गंदा वाला कचरा कर देंगे कि आप उसको रिकवर ही नहीं कर पाओगे। और उससे पहले 1-1.5 महीना पहले से आई थिंक हेयर मास्क इज द बेस्ट ऑप्शन। और उसमें एग हेयर मास्क के फायदे कितने होते हैं और एलोवेरा के फायदे कितने होते हैं आपको पता ही है, बट यहाँ पे दोबारा से ट्विस्ट आता है मस्टर्ड ऑयल का। सो लेट्स सी मैंने वाला कौन सा मास्क यूज़ किया था मेरे शादी के टाइम पे, लेट्स हैव अ लुक एट द इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स में बिल्कुल भी
कंफ्यूज नहीं होते, उसके लिए आपके पास में गूगल है ना। सो यहाँ पे मैंने लिए हैं, दो अंडे दिखाए हैं लेकिन मैंने यूज एक ही किया था बिकॉज मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इतना काफी था। आप ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो क्वांटिटी में। देन आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल आप नेचुरल प्लांट वाला भी यूज कर सकते हो। इफ नॉट देन कुछ प्योरेस्ट फॉर्म में लेना जिसमें कोई कलर ना हो और जिसमें कोई फ्रेग्रेंस भी ना हो, कुछ भी ऑर्गेनिक यूज कर सकते हो, मतलब कलर वाली चीजों से थोड़ा दूर ही रहना। अनदर थिंग जो कि मैंने आपको बताया था, ट्विस्ट है, मेरी मम्मी को मस्टर्ड ऑयल ऐड करना हमारी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पापा तो मतलब यहाँ पे भी यूज कर लेते थे ऐसा वैसा, तो ठीक है, मतलब आई सीन माय फादर यूजिंग इट, मतलब करते ही होंगे पहले वाले जो भी पापा थे, पापा लोग थे। पापा लोगों की अच्छी हेल्थ का एक्चुअली साइन है मस्टर्ड ऑयल यूज करना यहाँ पे आंखों में भी समटाइम्स। तो ठीक है, इसमें आपको यूज करना है 1 से 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल के, एंड देन जस्ट बीट कर लेना है अच्छे से। मैंने एग को पहले भी बीट कर लिया था, एंड देन आप देखोगे थोड़ा सा रनी है यहाँ पे। मैंने जो 2-3 साल पहले आपके साथ में एक हेयर मास्क यूज किया था, शेयर किया था, उसमें था बेसन भी, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेसन से तो हेयर ग्रोथ यू नो कम होती है बिकॉज वी यूज इट ऑन आवर हेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। हेयर पे यूज करोगे तो बिल्कुल ऐसे निकलते नहीं जाएंगे आपके बाल, इट्स नॉट लाइक दैट। बट आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी थिक करना चाहते हैं तो आप यू कैन ऐड बेसन टू इट, इफ नॉट देन आई एम फाइन विद इट। मैंने इसको बस वॉशरूम में लगाया था, और अच्छे से अपने बालों पर लगा लेना है। डू नॉट फॉरगेट टू यूज इट ऑन योर स्कैल्प बिकॉज ये बहुत अच्छे से कंडीशन करने वाला है। यू हैव टू अप्लाई दिस फ्रॉम योर रूट्स टू टिप, और बहुत अच्छे से इंश्योर करना है एक एक हेयर स्ट्रैंड बहुत अच्छे से यू नो कोट हो जाए। आई वॉज डूइंग इन द वॉशरूम एंड आई वॉज इंजॉइंग सब यू नो बैकग्राउंड म्यूजिक, तभी आप देख रहे हो ये फालतू की चीजें हो रही हैं। और देखोगे आप बहुत अच्छे से मैंने इसको मास्क को लगा दिया है। वंस आई एम डन अप्लाइंग द मास्क, इसको आपको रखना है तकरीबन 30-40 मिनट्स के लिए, और उसके बाद में आपको यू नो मेनली शैम्पू से वॉश करने हैं बाल, और आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ दिस हेयर मास्क इज जस्ट सो गुड। नाउ आई नो बहुत सारे लोग आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग एग, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कर्ड, या फिर आप एवोकाडो भी यूज कर सकते हो। इट्स नॉट दैट बेसिक इंग्रेडिएंट जो कि इजीली मिल जाएगा, बट उसको यूज करोगे तो उसके तो बेनिफिट्स ओ माय गॉड जस्ट सो गुड। वेडिंग सीजन की बात करें तो इट्स वेरी कॉमन कि ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होना या फिर स्लीपलेस नाइट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और उस केस में हेयर वगैरह ट्रेसेस को भी अच्छे से मैनेज कर लिया और बॉडी का भी ध्यान दे दिया, लेकिन आई एरिया पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। नाउ मार्केट में जो भी क्रीम्स अवेलेबल हैं, देर आर फ्यू क्रीम्स विच आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो विच आई रियली लाइक, और जिन्होंने इफेक्टिवली काम किया है। बट क्या होता है 15-20 दिन बाद में ना, इफ यू कंटिन्यू टू यूज इट ना, तो उसके इतने डिफरेंस आपको रिजल्ट जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा नोटिसबल नहीं होते हैं। इफ यू यूज इट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स तब तक अच्छा है, लेकिन उसके बाद में वो बिल्कुल कॉमन क्रीम की तरह लगती है। सो इंस्टेड आई वुड रिकमेंड यूजिंग ऑर्गेनिक यू नो आमंड ऑयल जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं स्टार्टिंग में यूज करती थी रोगन बादाम शीरी, और उसकी छोटी सी यू ऐसे बर्नी आती, बर्नी नहीं बोलते उसको, शीशी बोलते हैं, ऐसा आता है, और उसको भी आप यूज कर सकते हो। इफ नॉट दैट वन देन आई हैव दिस वन फ्रॉम दिस ब्रांड, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। मेक श्योर इट्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म, कोई आमंड हेयर ऑयल लेके मत यूज कर लेना, दैट्स वन सच यू नो रिडिकुलस थिंग दैट यू वुड एवर डू टू योर स्किन, सो नेवर एवर डू दैट। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यूज आमंड ऑयल विच इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। रोगन बादाम Shireen is one such that I would highly recommend to you guys. Ring finger के टिप पे आपको oil ले लेना है, and then massage it, you know, अपने eye area के आसपास, और बस ऊपर तक भी आपको cover करना है, so that eyelids पे भी जो darkness होती है ना वो भी आपको काफी हद तक कम होती हुई दिखेगी। If you use it for like you know 10-15 days, I think that max, and use it before you sleep. बहुत अच्छे results होंगे। Now let's quickly move on to the face care thing. Now जो मैं आपके सामने चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, this is not something that I used to use way back like around my marriage time. But definitely if we talk about as we age, हमारे स्किन में कोलाजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, एंड देन फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। रेटिनॉल मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ एज अ इंग्रीडियंट, वर्क्स इफेक्टिवली, एंड काफी सारे मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल होता भी है एज अ मेन इंग्रीडियंट, जो कि बहुत अच्छे से हेल्प करता है टू फाइट विद साइंस ऑफ एजिंग। नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस कॉम्बो विच इज फ्रॉम मामा अर्थ, एंड इट्स रेटिनॉल फेस वॉश विद रेटिनॉल एंड बकुची, एंड दिस इज हाउ द सीरम लुक्स लाइक। फर्स्टली लेट्स क्विकली वॉश अवर फेस बिकॉज क्लेंस फेस पे हम सीरम का एप्लीकेशन करने वाले हैं। सो आई टेक अबाउट अ कॉइन साइज अमाउंट ऑन माई फिंगर, यू हैव टू यूज इट ऑन वेट फेस, और बहुत अच्छे से लेदर करता है। अवॉइडिंग लिप्स और आई एरिया आपको उसको यूज करना होता है। मेक श्योर दैट यू कवर दिस एरिया जहां पे हमको मेनली रिंकल्स होते हैं, एंड देन आपको प्लेन वाटर से इसको वॉश ऑफ कर लेना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करने वाले हैं रेटिनॉल फेस सीरम, एंड दैट इज हाउ दिस मामाअर्थ रेटिनॉल फेस सीरम बॉटल लुक्स लाइक। यू हैव टू पंप आउट सम प्रोडक्ट और डॉट करते हुए लगाना है। द मिनट यू डॉट इट ऑल ओवर योर फेस, ये अपनी स्किन में ना ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब होने लग जाता है। यू जस्ट हैव टू पैट इट यूजिंग यू नो थोड़ा सा लाइट प्रेशर, एंड इट जस्ट गेट्स इन टू योर स्किन। एंड इफ यू लुक एट द इंग्रीडियंट्स, दिस विल मेनली हेल्प यू विद हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, मतलब फील फ्री टू यूज इट। इनफैक्ट ऑल द मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, वो तो होते ही नहीं है इनमें। एंड व्हेनेवर यू मेक एनी परचेज फ्रॉम देम ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे हैव प्लांट। उनका बाय 2025 तक एम है कि वो 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। एंड ऑल्सो वी नो मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दे रिसाइकल 120 मेट्रिक टन्स प्लास्टिक एवरी मंथ।
which is again very, very, very good. And lastly, leaving my coupon code, which you can use to avail 20% off on their website. This is the coupon code which you can use. And these products are easily available online on Mamaearth, Amazon, and of course, Nykaa. With so many things and responsibilities here and there around your wedding time, या आपके घर में भी हो तो भी, how can you forget this relaxing body massage? Because ये stress buster का काम करता है, and you know ऐसे stress release करता है हमारी body से भी, क्योंकि tension भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, and you will notice के benefits बहुत ज़्यादा होते हैं, you will feel that you know toned body और बहुत ज़्यादा you know shiny भी लगती है, plus you will feel so good you know about yourself, about your body, you will feel more active. आप इसके लिए कोई सा भी आपके preference का oil use कर सकते हो, if not then you can use olive oil या फिर मम्मी के case में मस्टर्ड ऑयल, मतलब मम्मी मस्टर्ड ऑयल बहुत ज्यादा यूज करती हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ये वाली स्टेप्स, आप खुद से भी खुद पे भी कर सकते हो, लेकिन जब कोई और ये चीज करता है ना, somebody who is more experienced, somebody जिनको थोड़ी सी टेक्निक्स भी पता हो, उनके साथ में तो ये बॉडी मसाज इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, माइंड के लिए, दैट जस्ट डोंट आस्क. सो यहाँ पे यू विल सी मी, आई एम डूइंग ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन हाँ हेल्प आप ले सकते हो अपने घर में किसी की भी, मम्मी की, भाभी की, सिस्टर की. तो यहाँ पे आपको नेक पे भी लगाना है, बहुत अच्छे से आपको मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में. तो जब खुद से मसाज करने में मुझे उतना ज्यादा रिलैक्सिंग फील नहीं हुआ, देन यहाँ पे हम वेलकम करते हैं भाभी का, जिन्होंने मेरी पीठ पे बहुत बढ़िया से मसाज किया था, एंड आई थैंक यू भाभी फॉर दिस. ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज माय टेक ऑन स्किन केयर रिजीम फॉर ऑल द ब्राइड्स आउट देयर. एंड इवन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप एवरीडे बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली हर कोई यूज कर सकता है, बिकॉज व्हाई टू रिस्ट्रिक्ट ग्लोइंग स्किन टू समथिंग रिलेटेड टू वेडिंग, मतलब नहीं होगी तो क्या ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए. सो डू लेट मी नो ऑल द थिंग्स जो कि आपको यूजफुल लगे हैं, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि थोड़े से नए थे अपार्ट फ्रॉम दिस मस्टर्ड ऑयल हर रेसिपी में यूज करना, बिकॉज दैट्स समथिंग जो कि थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता है, प्लस यू वुड फील दैट कि यू नो इससे रिजल्ट्स आपको थोड़े से और बेटर मिल जाएंगे 5-10%. सो लेट मी नो इनके साथ कुछ भी चीज ट्राई करते हो, एंड आई विल लिंक ऑल द products that I've used in the description box below, and yes, these jhumkas also, let me know kaise lage aapko. That's all I have in this video which is wedding related. Let me know agar aap ऐसा कुछ और भी देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. एंड यस, इफ यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, बिकॉज मैंने इस बार दूसरी बार भी बोला है, तो लाइक बहुत सारे मिलने ही चाहिए. एंड ऑल्सो फील फ्री टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड समबडी यू नो हु इज गेटिंग मैरिड, सो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, और लोगों को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट मत करिए वेडिंग से, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच.